हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द तृप्ति क्लासेस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 3। तो आज हम यूटिलिटी एनालिसिस टॉपिक कवर कर रहे हैं। यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है, यूटिलिटी एनालिसिस के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, और कैसे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी अफेक्ट करती है डिमांड को, तो ये सारा टॉपिक हम कवर करेंगे। बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी एनालिसिस से। यूटिलिटी बेसिकली यूटिलिटी की रिक्वायरमेंट कहाँ है, जब हम एक क्वेश्चन पुट करते हैं कि हमें डिमांड है, वो हमें डिमांड कैसे जनरेट होती है, हमें किसी प्रोडक्ट या गुड्स क्यों चाहिए, बिकॉज ऑफ वॉन्ट सेटिस्फाइंग नीड। जो हमें सेटिस्फाइंग नीड है उसको कम्प्लीट करने के लिए हमें कोई भी गुड्स या सर्विस चाहिए। उसी तरीके से हम अपनी इनकम को या फिर हमारी जो टोटल इनकम है जो हम स्पेंड करते हैं, कंज्यूमर जो स्पेंड करता है गुड्स को परचेज करने के लिए या सर्विस लेने के लिए, वो बेसिकली किस लिए परचेज कर रहा है, उसको क्या चाहिए, वो पर्टिकुलर डिमांड के साथ साथ क्या चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तभी वो खरीदेगा। अगर किसी प्रोडक्ट से उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिला, आज खरीदेगा कल नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं स्विच कर जाता हूँ, कोई और दूसरा प्रोडक्ट खरीदूंगा और उस पर स्विच कर जाता हूँ ताकि मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिले। क्योंकि जब हम एक कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है कि वो क्या चाहता है कि हमें एक प्रोडक्ट को जब भी हम परचेज करते हैं तो हमें एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आनी चाहिए, तभी हम एक प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और उनसे हमारी जो डिमांड है जनरेट होगी और वो हमें सेटिस्फाइड करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट कम टू द यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी बेसिकली अगर हम डेफिनेशन से समझे, यूटिलिटी इज ए क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ वांट। इट इज ए वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द गुड्स। तो बेसिकली यूटिलिटी क्या करती है, एक क्वांटिटी बताती है गुड्स की जिससे हमारी जो वांट है, जो हमारी डिजायर है, वांट है, जिसके लिए हम पैसे खर्च कर रहे हैं, तो वो हमें क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक वो यूटिलिटी जनरेट नहीं होगी। यूटिलिटी बेसिकली जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं, यूटिलिटी के दो कॉन्सेप्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, दैट इज ए कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। जो कार्डिनल यूटिलिटी होती है वो हम बेसिकली इन नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें हम सब्सट्रैक्ट या एडिशन कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 5 नंबर्स में, क्वांटिटेटिव नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द कार्डिनल यूटिलिटी। और यूटिल्स में हमने इसको मेजर किया है कि मान लो एप्पल से जो हमें यूटिलिटी मिल रही है वो 5 यूटिल्स मिल रही है, और ऑरेंज से जो यूटिलिटी मिल रही है वो 6 यूटिल्स मिल रही है। तो ये जो सब्सट्रैक्शन और डिविजन्स वाली जो न्यूमरल्स होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं इन्हें कार्डिनल यूटिलिटी। और ऑर्डिनल यूटिलिटीज के अंदर हम रैंकिंग वाइज डिवाइड करते हैं कि हमें किसने ज्यादा सेटिस्फाई किया, नॉट अकॉर्डिंग टू द नंबर बट ओनली डिसाइडिंग अबाउट दैट विच वन इज फेवरेबल फॉर अस। जैसे हम एग्जांपल लें कॉफी और टी का, अगर कॉफी ज्यादा फेवरेबल लग रही है तो दैट वी आर सेइंग दैट कि उसने हमें ज्यादा सेटिस्फाइड किया, तो दैट इज नॉट इन कंपैरिजन टू टी। तो हम उसको क्या कह रहे हैं कि सेटिस्फाइंग जो हमें कर रही है वो कॉफी कर रही है, इनकम अगर कंपेयर करें टी से तो सेटिस्फाइंग हमें क्या कर रही है, कॉफी कर रही है, दैट इज द ऑर्डिनल यूटिलिटी। यानी कि हमने नंबर्स में नहीं बताया यूटिल्स को, हमें नंबर्स में नहीं बताया, हमने कंपेयर कर दिया फॉर देयर विदाउट टेकिंग एनी यूटिल्स। ओके, नेक्स्ट कम टू द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स क्या होते हैं यूटिलिटी के, इट इज ए सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कैसे, कि हर किसी की मेंटल सेटिस्फेक्शन अलग रहती है। मेंटल सेटिस्फेक्शन का मतलब कि जैसे हम कोई ड्रंकर है तो वो लिकर को कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी मेंटल सेटिस्फेक्शन का लेवल 4 भी हो सकता है, 4 ग्लास भी हो सकता है, 10 ग्लास भी हो सकता है। तो दैट वॉज द वी आर टेकिंग द मेंटल सेटिस्फेक्शन। उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन किस चीज से मिल रहा है कि उसको जब तक मेंटल सेटिस्फेक्शन या मेंटल पीस नहीं मिलेगा तब तक उसकी जो यूटिलिटी है वो डिसाइड नहीं हो पाएगी। हर एक पर्सन की अलग अलग है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव। क्यों? अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग द ह्यूमन बिहेवियर। तो वो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन की जो कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करती है
किसी पर्सन के लिए कम हो सकती है, किसी पर्सन के लिए ज्यादा हो सकती है. दैट इज दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट द यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव. अगर हम बात करें कि यूटिलिटी है एक रिलेटिव टर्म है. रिलेटिव टर्म कैसे, कि समर्स के अंदर हमें कूलर्स की रिक्वायरमेंट है, उसी तरीके से विंटर्स में हमें नहीं है. तो विंटर्स में वी आर टेकिंग अ ब्लैंकेट और इन अ समर वी आर यूजिंग द एसीज एंड ऑल्सो यूजिंग द कूलर्स ऑल्सो. तो यहाँ पे क्या है, दैट वॉज द इट इज अ रिलेटिव टर्म. तो रिलेशन है यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू देयर चेंजिंग द एनवायरमेंट कंडीशन यूटिलिटी जनरेट हो जाती है. अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नॉट एसेंशियली यूजफुल. कई चीज है यूटिलिटी जनरेट करती है लेकिन हमें पता है वो यूजफुल नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, चाहे वो सिगरेट हो गया या लिकर हो गया. दैट इज ओनली ए गिव अ मेंटल सेटिस्फेक्शन, नॉट फॉर देयर हेल्थ टर्म्स. अगर हम बात करें वो हेल्दी नहीं है तभी तो उनकी उनपे लिखा होता दैट वॉज इंजूरियस टू हेल्थ. तो हम क्या कह रहे हैं कि यूटिलिटी जो जनरेट हो रही है जरूरी नहीं है, इट्स नॉट असेंशियली यूजफुल. ये यूजफुल हो या नहीं हो लेकिन उससे यूटिलिटी जनरेट हो रही है. नेक्स्ट वॉज द इंडिपेंडेंट ऑन मॉरलिटी. मॉरलिटी पे डिपेंड ही नहीं करती है. जैसे एक जब हम मॉरलिटी की बात करें, एथिकल की टर्म्स में बात करें, तो वो जो लिकर कंज्यूम कर रहा है इन अ मॉरलिटी टर्म इट इज नॉट अ गुड फॉर हेल्थ. तो मॉरलिटी टर्म्स तो इसमें कंसिडर ही नहीं किया जाता. यूटिलिटी है इन दैट वॉज नॉट रिलेटेड टू द मॉरलिटी, नॉट रिलेटेड टू देयर यूजफुल टर्म्स और ए यूजफुल असेंशियल कमोडिटीज. क्लियर है. नेक्स्ट कम टू द कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. कॉन्सेप्ट्स वॉज द यूटिलिटी को बेसिकली थ्री कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया गया है. दैट वॉज द फर्स्ट वन वॉज द इनिशियल यूटिलिटी, सेकेंड वॉज द टोटल यूटिलिटी एंड थर्ड वन वॉज द मार्जिनल यूटिलिटी. गॉट माई पॉइंट. इनिशियल यूटिलिटी क्या होता है, इनिशियली नाम से ही क्लियर है. इनिशियल में जो हम कंज्यूम करते हैं यूटिलिटी वो हमेशा हमें क्या देती है, सेटिस्फेक्शन देती है. जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम का एक ही स्पून हमें क्या देगा, दैट वॉज द सेटिस्फेक्शन. तो वो क्या कर रही है, यूटिलिटी जो बेसिकली क्या होगी, वो पॉजिटिव टर्म्स में होगी, हमेशा पॉजिटिव टर्म्स में होगी. जब हम इनिशियल यूटिलिटी ले रहे हैं और हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दैट वॉज इन ए पॉजिटिव टर्म. यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी, दैट वॉज द इनिशियल यूटिलिटी. जो यूटिलिटी जब हम ले रहे हैं एक उसकी पहली कमोडिटी की फर्स्ट कंजम्पशन या फर्स्ट स्लाइस ऑफ एप्पल और फर्स्ट स्लाइस ऑफ ऑरेंज जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, दैट गिव्स अस पॉजिटिव यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड द इनिशियल यूटिलिटी. नेक्स्ट वॉज द टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी मीन्स द एग्रीगेट ऑफ ऑल द यूटिलिटीज दैट ए कंज्यूमर कैन कंज्यूम द कमोडिटीज. जो भी एग्रीगेशन हो रहा है टोटल यूटिलिटीज हम उसको कहते हैं, कि जो उसने पर्सन ने कंज्यूम की है, चाहे 1, 2, 3, 4 जितनी भी क्वांटिटी उसने कंज्यूम की है, दैट वॉज कम अंडर द टोटल यूटिलिटी. इट रेफर्स टू द दैट एंटायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज. तो ये क्या शो करता है, दैट वॉज द एंटायर और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. जो भी हम अलग अलग टाइप की क्वांटिटीज को कंज्यूम कर रहे हैं वो हमें शो करती है, दैट वॉज इन टोटल यूटिलिटी. तो टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स. तो अगर हम इसके फंक्शंस को शो करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार सिंपल एमसीक्यू आ जाता है, तो टोटल यूटिलिटी इज रिलेटेड टू द ऑफ एक्स कमोडिटी इज रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी. मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी दैट वॉज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ टोटल यूटिलिटी. जो भी चेंज आ रहा है इट इज द इंक्रीज इन द टोटल यूटिलिटी. जो इंक्रीज हो रहा है टोटल यूटिलिटी के अंदर, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा, टोटल यूटिलिटी के अंदर जो भी चेंज में इंक्रीज हो रहा है, विच रिजल्ट फ्रॉम ए यूनिट इंक्रीज इन कंजम्पशन. तो क्या है, वन यूनिट
इंक्रीज कर रहे हैं और उससे जो चेंज आ रहा है टोटल यूटिलिटी के अंदर, दैट कम अंडर द मार्जिनल यूटिलिटी. जैसे पहले फर्स्ट कमोडिटी हमने जो फर्स्ट यूनिट लिया था उससे हमें टोटल यूटिलिटी मिल रही थी एक, और नेक्स्ट टाइम जब हमें उसको कंज्यूम किया तो हमें टोटल यूटिलिटी मिल रही थी 12. जो डिफरेंस है 12 माइनस 8 का जो डिफरेंस है दैट वाज द 4. जो डिफरेंस है टोटल यूटिलिटीज का बाय एडिशनल वन यूनिट ऑफ क्वांटिटी, जो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आ रहा है दैट इज द 4 यूनिट, दैट कम अंडर द मार्जिनल यूटिलिटी. उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे. जैसे इसका फॉर्मूला देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू द टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया कि पहले क्या थी हमारी 8 थी, बाद में क्या होगी 12 होगी टोटल यूटिलिटी. तो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 यूनिट वॉज द मार्जिनल यूटिलिटी. उसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला है, मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी. उसी तरीके से अगर हम इसको एज ए ग्राफिकल फॉर्म में समझे तो जो टोटल यूटिलिटी है, जो टोटल यूटिलिटी है वो बेसिकली एक पॉजिटिव भी रहती है, टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट भी हो जाती है और हमारी डिक्रीज करने भी लग जाती है. टोटल यूटिलिटी वॉज द डिक्रीजिंग. तो यहाँ पे हम टेबल से क्लियर करते हैं, तो थ्री टाइप्स से जो हमारी यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, वो थ्री टाइप्स से होती है. मार्जिनल यूटिलिटी में भी है पॉजिटिव, मार्जिनल यूटिलिटी में भी है जीरो और जीरो, और मार्जिनल यूटिलिटी में भी है नेगेटिव. तो इस ग्राफ से हम समझेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे तीनों स्टेज क्रॉस करती है. जब हमारी जो क्वांटिटी है, हम देख रहे हैं क्वांटिटी जीरो हो रही है, फिर वन हो रही है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो रही है, तो टोटल यूटिलिटी हमारी क्या है, जीरो में जीरो ही रह रही है. टोटल यूटिलिटी वन जब हो रही है तब एट रह रही है, टू हो रही है 14 रह रही है, थ्री हो रही है तो 18, एंड फोर हो रही है. जब हम फोर क्वांटिटी ऑफ यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम पे पहुंच रही है, दैट कम अंडर द मैक्सिमम यूनिट 20 हमने उसको, उससे हमें टोटल यूटिलिटी मिल रही है. और फिफ्थ यूनिट्स पे जब हम उसको फिर से कंज्यूम कर रहे हैं, एक यूनिट और ले रहे हैं, तो अगेन दैट वाज द 20, दैट वाज द कांस्टेंट. मतलब कि एक लेवल ऐसा आ गया है कि वो एक कांस्टेंट रहने लग गई है टोटल यूटिलिटी. अगर हम फिर से सिक्स्थ यूनिट उसकी कंज्यूम करते हैं तो वो क्या करती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. टोटल यूटिलिटी हमारी क्या हो जाती है, 18 हो जाएगी, 20 के बाद 18 हो जाएगी, दैट वॉज डिक्रीजिंग. और जब वो डिक्रीज होगी तो दैट शोइंग दैट कि उससे हमारी यूटिलिटी, यानी कि हमें और इच्छा नहीं है उसको कंज्यूम करने की, तो दैट टोटल यूटिलिटी कैन बी डिक्रीजिंग. उसी तरीके से जो हमारी मार्जिन यूटिलिटी है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं, तो जो मार्जिन यूटिलिटी है, जब हमारी जीरो क्वांटिटी थी मार्जिन यूटिलिटी कुछ भी नहीं आएगी, और जब हमारी वन क्वांटिटी होगी तो मार्जिन यूटिलिटी हमारी 8 आएगी, टू यूनिट्स होंगी तब 6 आएगी, दैट इज 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 जो आ रही है हमारी, तो वहां पे क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी. और 8 माइनस 0 दैट वाज 8, एंड 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, एंड 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2, 20 माइनस 20 यानी कि 0, दैट इज द सैचुरेशन पॉइंट. जो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ जाएगा जब हमारी मार्जिन यूटिलिटी जीरो हो जाएगी, दैट इज द सैचुरेशन पॉइंट, एंड दैट वाज द 18 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 2, दैट इज कम अंडर द नेगेटिव. तो हमारी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो नेगेटिव चली जाएगी. ग्राफ से क्लियर करते हैं, ये जो शो कर रखा है 1 2 3 4 5 6 दैट शोइंग द क्वांटिटी, एंड इस साइड पे जो हमारी वाई एक्सिस है वो शो कर रही है यूटिलिटी को, और जो एक्स एक्सिस है वो हमारी क्वांटिटी को शो कर रही है. ये ग्राफ हमारा टोटल यूटिलिटी को शो कर रहा है और नीचे वाला ग्राफ हमारा मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रहा है. जो टोटल यूटिलिटी है जब हम उसकी वन यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमारी 8 यूटिलिटी हमारे सामने आती है. जब वन यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो 8 यूटिलिटी हमारे सामने आती है. जब 2 को करेंगे 14, 3 को करेंगे 18, जब 5 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमारी 20 यूनिट्स हो जाती हैं, यानी कि 4 पे भी 20 और 5 पे भी हमारी 20 यूनिट्स कंज्यूम हो जाती हैं. जब 20 यूनिट्स कंज्यूम हो रही हैं, यानी कि यहाँ पे हमारी जो 4 टू 5 में जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी,
कॉन्स्टेंट रहेगी, तो जो हमारी 4 यूनिट कंज्यूम करेंगे या 5 यूनिट कंज्यूम रहेंगे, हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। जब हमारी टोटल यूटिलिटी जब हमारी कॉन्स्टेंट होगी, तब हमारी जो मार्जिन यूटिलिटी है, जो इसका डिमांड कर्व है, वो नेगेटिवली स्लोप शो करेगा। और उसमें जब हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो मार्जिन यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अप टू द एफ पॉइंट तक हमारी जो मार्जिन यूटिलिटी है पॉजिटिव शो करेगी। एंड ऑन द फिफ्थ पॉइंट, जब हमारी फिफ्थ पॉइंट पे, फोर्थ टू फिफ्थ पॉइंट पे, जब हमारी मार्जिन यूटिलिटी कॉन्स्टेंट रह रही है, मार्जिन यूटिलिटी हमारी जब कॉन्स्टेंट रह रही है, तो वहां पे हमारी फिफ्थ पॉइंट पे मार्जिन यूटिलिटी हमारी क्या शो करेगी, टोटल यूटिलिटी वॉज कॉन्स्टेंट एंड मार्जिन यूटिलिटी वॉज इन जीरो, दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। ऑन द फिफ्थ यूनिट पे पॉइंट ऑफ सेचुरेशन वॉज शोइंग दैट मार्जिन यूटिलिटी विल बी जीरो। आफ्टर कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट, 6 यूनिट हमने कंज्यूम किया है, 6 यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं, दैट टोटल यूटिलिटी वॉज डिक्रीजिंग। टोटल यूटिलिटी हमारी इसमें भी टेबल में शो कर रही है कि 18 हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी 18 हो जाएगी, और मार्जिन यूटिलिटी हमारी कहां पे आ जाएगी, नेगेटिव शो करेगी। दैट पॉइंट वॉज द नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। इसीलिए बेसिकली हमारी 3 टाइप की मार्जिनल यूटिलिटी शो होती है, दैट वॉज द पॉजिटिव, दैट वॉज द जीरो एंड नेगेटिव। और जो हम बात कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी हमारी फर्स्ट एफ पॉइंट तक इंक्रीज करेगी, एफ टू जी तक कांस्टेंट रहेगी, जी से बाद में जो पॉइंट है, जी के बाद जो पॉइंट है, दैट वाज द टोटल यूटिलिटी वाज डिक्रीजिंग। तो ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली जो टोटल यूटिलिटी एनालाइज में हमने स्टडी किया। और टोटल यूटिलिटी का आगे हम एडवांस वो करेंगे, कवर करेंगे एडवांस टॉपिक, दैट वाज ए कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी वाज रिलेटेड टू द इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व को टॉपिक को हम कवर अप करेंगे। किसी को भी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द तृप्ति क्लासेस।